एससीपी फाउंडेशन का वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस और नोटोरियस एससीपी कौन? वो है SCP-682। SCP-682 हार्ड टू डिस्ट्रॉय रेप्टाइल के नाम से भी जाना जाता है, और ऐसा इसीलिए है क्योंकि इसे डिस्ट्रॉय करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ये क्रिएचर कुछ उन गिने चुने SCPs में आता है जिन्हें खुद SCP फाउंडेशन ही खत्म करना चाहती है, और ऐसा इसीलिए है क्योंकि SCP-682 हर लिविंग बींग से नफरत करता है। इसी नफरत के चलते वो सबको मार देता है। SCP फाउंडेशन ने इसे परमानेंटली खत्म करने की बहुत कोशिश की है, पर हर बार वो फेल हो जाते हैं। अच्छे से अच्छे वेपन से उसके ऊपर अटैक किया गया, पर इसका कोई फायदा ही नहीं हुआ। उल्टा उसने उन सारे एजेंट, स्टाफ और रिसर्चर्स पर अटैक कर दिया जो इस अटेम्प्ट के दौरान मौजूद थे। अरे रे, पर SCP-682 को टर्मिनेट करने की कोशिश ये लोग करते रहे। जब बड़े से बड़े वेपन्स काम नहीं आए तो इन्होंने बाकी SCPs को इसके अगेंस्ट यूज किया। SCP-409 ये एक टाइप का क्रिस्टल है जो बहुत ही भयानक है, क्योंकि अगर कोई लिविंग बींग इसे टच करे तो वो भी 3 घंटे बाद धीरे धीरे क्रिस्टल बन जाएगा, और ये प्रोसेस बहुत दर्दनाक होता है, बहुत दर्दनाक। क्रिस्टल बनने के कुछ समय बाद ये टूट के बिखर जाएगा छोटे छोटे टुकड़ों में। जब SCP-682 ने इसे छुआ तो वो भी क्रिस्टल में तब्दील होने लगा, पर आधी बॉडी तक ही ये फैला और फिर रुक गया। इसके बाद SCP-682 का हाफ बॉडी जो कि क्रिस्टल बन चुका था वो टूट गया, पर वो मरा नहीं, हालांकि वो बहुत ही ज्यादा पेन में था। कुछ समय बाद उसकी बॉडी वापस रीजेनरेट होने लगी और वो ठीक पहले जैसा हो गया। Fuck you! ये एक सुपरनेचुरल पावर है इसमें, जिससे ये अपने डैमेज बॉडी ऑर्गन्स और पार्ट्स को ठीक और पहले से ज्यादा मजबूत बना सकता है। SCP-173, SCP-162 और भी कई SCPs ने इसे खत्म करने का ट्राई किया है, पर ये वापस से ठीक हो गया। इससे परेशान होकर SCP फाउंडेशन ने एक बहुत ही बड़ा स्टेप उठाया और सबको लगा कि इस बार तो ये खलास। एक सील्ड स्क्वायर शेप लार्ज एरिया जो पावरफुल हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भरा हुआ था उसमें SCP-682 को ढाल दिया गया। सबको ये उम्मीद थी कि कुछ ही मिनटों में SCP-682 एसिड में मेल्ट होके खत्म हो जाएगा, उसके साथ साथ उसकी पूरी कहानी खत्म हो जाएगी, पर वो सही सलामत बच गया, उसे कुछ भी नहीं हुआ। जिंदा वापस वो लौट के आया, हार का स्वाद उसने सबको चखाया। वाह, क्या रामी किया है, वाह। इस बड़ी हार के बाद सारे रिसर्चर्स ने ये कहा, वो रात अब 2 बजे तक पिया। अरे कोई नहीं, मैं समझ सकता हूँ, 100 बार जितना कोशिश करने के बाद भी जब हार ही मिले तो बुरा लगता है। पर जब SCP-682 को SCP-053 के सामने रख दिया गया तो कुछ अलग हुआ, बहुत अलग। जिन्हें नहीं पता SCP-053 कौन है, तो SCP-053 एक छोटी सी बच्ची है जो बात कर सकती है और उसके अंदर कुछ सुपरनेचुरल पावर्स है। इस छोटी बच्ची का प्रॉब्लम यह है कि अगर कोई भी लिविंग बींग इसे टच करे या आई कांटेक्ट मेंटेन करे या इसके साथ थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड कर ले तो उस इंसान का दिमाग खराब हो जाता है, उसके अंदर मर्डर करने की भावना आने लगती है, और ऐसे टाइम पे मैक्सिमम चांसेस ये है कि वो SCP-053 पर जानलेवा अटैक करेगा। आज तक जितनों ने SCP-053 पर अटैक किया है उन सबको तुरंत हार्ट अटैक आ गया और वो ऑन द स्पॉट मर गए, और जो इंजरीज उन्होंने SCP-053 को दी वो तुरंत अपने आप ठीक हो गए। जब ये दो पावरफुल SCPs आमने सामने आए तो पहले SCP-682 बहुत गुस्से में था और उसे देख SCP-053 डरी हुई थी, पर धीरे धीरे SCP-682 परेशान होने लगा और उसने उस पर अटैक करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करी। कुछ ही मिनटों में ये दोनों दोस्त बन गए, जो कि एक बहुत ही शॉकिंग बात थी रिसर्चर्स के लिए। पर इससे उन्हें ये तो पता चल गया कि SCP-682 को शांत करने के लिए सिर्फ SCP-053 ही काम आ सकता है।
इसके बाद उन्होंने SCP-682 को मारने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करी, क्योंकि उनके पास SCP-053 है जो SCP-682 को संभाल सकती है। चलो यारो, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ। और भी कुछ मैं भूल रहा हूँ क्या? वो मैं नहीं भूलता, वो आप सब भूलते हैं। आप लाइक करना भूल जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, और अगर आप मेरी आने वाली वीडियोस भी देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो। आप में से बहुत लोग सब्सक्राइब तो कर देते हैं, पर बेल आइकन को कौन प्रेस करेगा बे? बेल आइकन अगर ऑन नहीं होगा तो तुम्हें नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा? तो याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।